नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमित शाह जी की कुंडली के बारे में। बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पे है कि अमित शाह जी की तबीयत खराब है, वो बीमार चल रहे हैं, तो क्या बात है जो है। तो दोस्तों, सब तो बताते हैं कि ऐसी तबीयत खराब है, वैसा खराब है, लेकिन ये है कि ज्योतिष से क्या योग बनता है, क्या रूल है, क्या सचमुच में उनकी तबीयत खराब है, ज्योतिषी योग क्या बनता है। YouTube पे वीडियो तो बहुत सारे हैं, लेकिन योग क्या बन रहा है, किस लिए तबीयत खराब हो रही है, प्लानेटरी पोजीशन क्या है, ये लोग डिस्क्लोज नहीं करेंगे। सिर्फ बताएंगे ये कि ऐसा जो है ग्रह नक्षत्र बन रहा है। तो दोस्तों, आज हम आप सबके सामने जो है डिटेल में एनालिसिस करने जा रहे हैं अमित शाह जी की कुंडली के बारे में। तो दोस्तों, जैसा मुझे डेट ऑफ बर्थ मिला हुआ है, मैंने यूट्यूब से डेट ऑफ बर्थ लिया है। मैं कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी नहीं हूँ कि मेरा जो है अमित शाह जी से कोई परिचय है। मेरा उनसे कोई भी परिचय नहीं है, ना वो मुझे जाने, ना मैं उनको जानूँ जो है। हाँ, मैं उनको जानता हूँ, सारी मैं उनको तो बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं इतना बड़ा ज्योतिषी नहीं हूँ या मैं लंबा चौड़ा झूठ बोलूँ कि मैं उनको जानता हूँ, वो या वो हमको जानते हैं। मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। वैसा मैं जो है RSS का सपोर्टर हूँ जो है, और BJP का भी समर्थन मैं करता हूँ। मैं ऐसा कोई पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, ना मेरे पास कोई पार्टी का कोई पोस्ट है जो है, और ना मैं कोई पोस्ट लेते ही हूँ जो है कि मुझे BJP से कोई पद चाहिए। हाँ, लेकिन ये है दोस्तों कि मैं जो है सनातनी हूँ, उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और उन्होंने अब तक गृह मंत्री बनने के बाद जो काम उन्होंने किया है, आज तक इतिहास में किसी ने नहीं किया है। तो जो भी कट्टर हिंदू होंगे जो है, वो उनको ज़रूर मानेंगे। अब बाकी तो सेकुलर की तो बात ही छोड़िए जो है। तो दोस्तों, ऐसा मुझे उनका डेट ऑफ बर्थ मिला है 22 अक्टूबर 1964, सुबह 5:25 मुंबई में उनका जन्म हुआ है। 55 ईयर्स उनका कंप्लीट हो गया है, 56 उनका रनिंग है, 56 उनका कंप्लीट हो जाएगा 22 अक्टूबर को, यही 22 अक्टूबर को अभी उनका 56 कंप्लीट हो जाएगा, 57 ईयर्स में वो चले जाएंगे। तो दोस्तों जो है, मैं ये आप सबके सामने जो है ज्योतिषी योगों के बारे में मैं बताऊँगा कि ऐसा जो है क्या हो रहा है कि जो वो बीमार चल रहे हैं। दोस्तों, एक पहले उनका जो लग्न है जो है कन्या लग्न है, लग्नेश जो है वो बुध है, सूर्य और बुध की युति है, सेकंड हाउस में जो है वो युति है, जो कि वो बुधादित्य योग जो है वो बनाता है। बुध जो है दोस्तों वो तुला राशि में है, और उसका जो डिस्पोजिटर है वो शुक्र है, और शुक्र जो है 12वें घर में जो है वो सिंह राशि का है। तो द्वितीयेश और बेयेश का जो है वो राशि परिवर्तन है, जो कि एक अच्छा योग जो है वो बनता है। जो है द्वितीयेश और बेयेश का जो है राशि परिवर्तन होना, शुरू में जो है ये बताता है कि धन से रिलेटेड जो है पैसा जो है आएगा, लेकिन बचत कम होता है द्वितीयेश और बेयेश का राशि परिवर्तन, तो शुरू में ऐसा कुछ रहा होगा। बुध जो है दोस्तों, जो कि लग्नेश है, उसके ऊपर जो है राहु की जो है 5वीं दृष्टि है, चंद्रमा की 7वीं दृष्टि है, और मंगल की जो है वो 4थी दृष्टि पड़ रही है। तो लग्नेश जो बुध है दोस्तों, बुध जो है तुला राशि में, उसका डिस्पोजिटर शुक्र जो है 12वें घर में, जो कि ओवरऑल वो पॉजिटिव है, क्योंकि बुध जो है कन्या लग्न में तुला में होना राजयोग कारक बनता है, क्योंकि कन्या लग्न में बुध जो है वो धनेश और भाग्येश
दोनों होता है तो कन्या लग्न में शुक्र की राशि में कोई भी ग्रह बैठे तो वो राजयोग कारक बनता है। तो बुध जो है मेजर पॉजिटिव है, बुध के ऊपर राहु की दृष्टि है जो कि राहु उच्च का है जो कि वो पॉजिटिव है, चंद्रमा की जो है सातवीं दृष्टि है जो कि वो पॉजिटिव है, मंगल की जो है चौथी दृष्टि है जो कि वो निगेटिव है या मीडियम है, मंगल की दृष्टि जो है वो शुभ नहीं है। लग्नेश बुध जो है वो 9 डिग्री 26 कला पे है। सबसे ज़रूरी दोस्तों डिटेल एनालिसिस लग्नेश का ही किया जाता है, लग्नेश यानी कि जातक खुद। तो लग्नेश जो है वो बुध है, अब बुध जो है 9 डिग्री 26 कला पे है, ये पर्टिकुलर 9 डिग्री 26 कला दोस्तों मेजर पॉजिटिव डिग्री है, ये गवर्नमेंट में बड़ा पोस्ट देने वाली डिग्री है, अब मेजर सक्सेस देने वाली डिग्री है। तो बुध जो है 9 डिग्री 26 कला मेजर पॉजिटिव है, बुध का जो नक्षत्रपति है वो राहु है, राहु एग्जाल्टेड है, 10th हाउस में है, 10th हाउस यानी कि गवर्नमेंट का घर। तो बुध का नक्षत्रपति राहु, बुध राहु जो है वो त्रिकोण का योग जो कि मेजर शुभ योग, राहु 10th हाउस में यानी कि गवर्नमेंट में बड़ी पोस्ट मिलना, राहु है 10th हाउस में तो राहु यानी पॉलिटिक्स। तो लग्नेश की पोजीशन एकदम जबरदस्त, लग्नेश का जो नक्षत्रपति है वो राहु मेजर पॉजिटिव, और राहु का जो नक्षत्रपति है वो मंगल है जो कि मंगल नीच का है, लेकिन राहु से सेकंड हाउस में लाभ स्थान में जो है मंगल जो कि वो भी पॉजिटिव, राहु से सेकंड हाउस में, अब मंगल जो है वो नीच का है, कन्या लग्न में मंगल का नीच का होना बहुत शुभ फल देता है, कन्या लग्न में मंगल का पावरफुल होना तकलीफ देता है, ये ज्योतिष का रूल है। तो दोस्तों बुध का नक्षत्रपति राहु मेजर पॉजिटिव, राहु का नक्षत्रपति जो है मंगल जो कि नीच का राहु से सेकंड हाउस में जो कि मेजर पॉजिटिव, और जो मंगल है, मंगल का जो दोस्तों जो नक्षत्रपति है वो क्या है, वो बुध है, यानी कि बुध का नक्षत्रपति राहु, राहु का नक्षत्रपति मंगल, और मंगल का जो नक्षत्रपति है वो बुध है जो कि एक जबरदस्त जो है वो राजयोग देता है जो कि लग्नेश जो है उनका बहुत ही अच्छा पॉजिटिव बन गया। और बुध की जो डिग्री है 9 डिग्री 26 कला जो कि वो जबरदस्त पावरफुल डिग्री है। अब दोस्तों जो है लग्नेश बुध 9 डिग्री 26 कला पे, ये विजय प्राप्ति की डिग्री है, सक्सेस की डिग्री है, गवर्नमेंट की डिग्री है, और जो रोग देने वाला जो प्लानेट है वो षष्ठे शनि जो है छठे घर से देखा जाता है, रोग ऋण और शत्रु। शनि जो है छठे घर में कुंभ राशि में है, मेजर पॉजिटिव है, जो कि वो मेजर पॉजिटिव है दोस्तों, और शनि जो है वो मंगल के नक्षत्र में है, शनि दोस्तों जो है वो मंगल के नक्षत्र में है जो कि शनि से जो है वो 150 डिग्री के दूरी पर है, लाभ स्थान में है जो कि वो पॉजिटिव बनता है। शनि जो है वो 5 डिग्री 4 कला पे है जो कि ये डिग्री जो है वो पॉजिटिव बनती है, लेकिन दोस्तों शनि जो है 5 डिग्री 4 कला और बुध जो है 9 डिग्री 26 कला, ये डिग्री जो है जहाँ पे ऑपरेट होती है वो डिग्री जो है एक साथ में क्लैश हो रही है, लग्नेश बुध की डिग्री और षष्ठेश शनि की डिग्री वो कर्क राशि को ऑपरेट कर रही है, वो कर्क राशि को ऑपरेट कर रही है जो कि ये मेजर तकलीफ वाला हेल्थ से रिलेटेड, वैसा वो कर्क राशि जो है वो लाभ स्थान में आती है
लेकिन ये मेजर तकलीफ वाला, क्योंकि लग्नेश और षष्ठेश की डिग्री वाइज युति है। लग्नेश और षष्ठेश की जो है वो डिग्री वाइज जो है वो युति बन रही है, जो कि वो जब भी लग्नेश का संबंध षष्ठेश से हो जाए तो हेल्थ वाइज जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो दोस्तों उनको देख रहे हैं आपके हेल्थ वाइज प्रॉब्लम है जो है। शनि जो है वृश्चिक राशि कुंभ राशि में है और वृश्चिक नवमांस में है, जो कि वो सेकंड नवमांस में है, नवमांस कुंडली में वो शत्रु राशि में होता है। बुध जो है दोस्तों वो नवमांस कुंडली में वो धनु नवमांस में है, जो कि वो जो है पॉजिटिव बनता है। तो दोस्तों ओवरऑल बुध की पोजीशन बहुत ही बढ़िया है, लेकिन बुध का संबंध शनि की डिग्री से जो हो रहा है, शनि की डिग्री बुध की डिग्री दोनों एक साथ में क्लैश हो रही है, जो कि ये तकलीफ उनको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो दोस्तों एक एक प्लैनेट की मैं एनालिसिस करूं तो बहुत ही लंबी जो है उनका कुंडली का एनालिसिस होगा, जो कि वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा। उसके लिए दोस्तों अब हम बात करेंगे जो है कि उनकी जो है दशा क्या चल रही है। तो उनकी दशा दोस्तों 22 नवंबर 2003 से लेकर 22 नवंबर 2003 से लेकर 22 नवंबर 2021 22 नवंबर 2021 तक जो है राहु की महादशा जो है उनकी चल रही है। अभी 22 नवंबर 2021 को उनकी राहु की महादशा खत्म हो जाएगी। राहु दोस्तों जैसा जो है कन्या लग्न में, राहु 10th हाउस में एग्जाल्टेड राहु, जो कि मेजर पॉजिटिव। राहु का डिस्पोजिटर जो है बुध, राहु से 120 डिग्री पर मेजर पॉजिटिव। राहु दोस्तों नवमांस कुंडली में, तुला नवमांस में, जो कि मेजर पॉजिटिव। राहु दोस्तों जो है कुंडली में जो है जो उनकी हेल्थ से रिलेटेड तकलीफ की जो कुंडली है, जिसको D30 कुंडली बोलते हैं, त्रिशांश कुंडली, वहाँ पे राहु जो है वो मेष त्रिशांश में है, वहाँ पे वो मेष त्रिशांश में है, जो कि मेष त्रिशांश की राशि लग्न कुंडली में 8th हाउस को ऑपरेट करती है। यानी कि राहु की दशा में जो है तकलीफ जो है हेल्थ से रिलेटेड मेजर होना। राहु दोस्तों जो दशमांसा कुंडली है D10 कुंडली, जो करियर की कुंडली बनती है, राहु वहाँ पे जो है मिथुन दशमांसा में है, D10 कुंडली में एग्जाल्टेड है। आप देखिए कि 2003 से लेकर टिल टुडे तक राहु जो है इनको जो है कितनी बड़ी पोस्ट जो है राहु ने उनको दिया, और राहु जो है जबरदस्त पोजीशन में जो है राहु है, जो कि राहु जो है D10 कुंडली में उच्च का राहु। षष्ठेंश कुंडली जो D60 कुंडली बनती है, वहाँ पे जो है राहु जो है वो तुला षष्ठेंश में है, जो कि मेजर पॉजिटिव है। यानी गए जन्म का जो उनका राहु का पुण्य है वो मेजर पॉजिटिव है, जो कि वो आप देखें कि 2003 से लेकर लगातार उनको जो है ख्याति प्रमोशन सब उनको मिल रहा है। राहु का नक्षत्रपति दोस्तों वो जो है राहु का नक्षत्रपति जो है वो मंगल है, जो कि राहु से सेकंड हाउस में, राहु मंगल एक दूसरे से शत्रु हैं, लेकिन राहु से सेकंड हाउस में मंगल है, जो कि वो पॉजिटिव बन जाता है, मंगल लाभ स्थान में है। अब मंगल का जो नक्षत्रपति है वो जैसा मैंने आपको बताया वो बुध है, जो कि मेजर पॉजिटिव बन जाता है राहु से, जो कि उनको इतनी बड़ी पोस्ट दिया। लेकिन दोस्तों राहु की जो डिग्री है वो 2° 22 कला है, राहु की जो डिग्री है वो 2° 22 कला, ये पर्टिकुलर 2° 22 कला जो है
ये हॉस्पिटलाइज की भी डिग्री है, ये एकांत वास की भी डिग्री है, दो डिग्री 22 कला। और दोस्तों ये दो डिग्री 22 कला ऑपरेट कब हुआ मैं आपको बताऊं, राहु की महादशा जो है वो चली जो है, और वो डिग्री ऑपरेट हुआ दोस्तों 10 जून 2018 से 4 मई 2019 10th जून 2018 से 4 मई 2019 के बीच में ये दो डिग्री 22 कला ऑपरेट हो गई, जो कि उसी समय से जो है कुछ न कुछ हेल्थ वाइज प्रॉब्लम अमित शाह जी को होने लगी। उसके बाद दोस्तों जैसे ही 4 मई 2019 को राहु में सूर्य निकला, जो कि राहु और सूर्य एक दूसरे से त्रिकोण में है, लेकिन राहु की डिग्री उसी समय ऑपरेट हुई, उस समय बल्कि उनका समय ओवरऑल ठीक ठीक रहा होगा, लेकिन उसी समय इंटरनली प्रॉब्लम शुरू हो गया, प्लैनेट जो है अपना काम करना शुरू कर दिया, उनको भले नहीं मालूम पड़ा होगा या मालूम पड़ा होगा ये अपने को नहीं मालूम है, लेकिन 4 मई 2019 से 4 नवंबर 2020 राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है, राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है दोस्तों, और चंद्रमा जो है कुंडली में 8वें घर में है। कन्या लग्न में दोस्तों चंद्रमा सुफल नहीं देता है, और अष्टमेश और लाभेश का राशि परिवर्तन है, राहु से 11th हाउस में जो है चंद्रमा है जो कि लाभ बताता है, लेकिन 8वां घर जो है वो तकलीफ का घर है, बड़ी बीमारी का घर है, हेल्थ से रिलेटेड तकलीफ का घर है। तो राहु में चंद्रमा जब चला जो है 4 मई 2019 से 4 नवंबर 2020 अभी जो है जस्ट कंप्लीट हो जाएगा, जो कि उनको जो है हेल्थ से रिलेटेड तकलीफ ज़्यादा दे रहा है, हेल्थ से रिलेटेड तकलीफ ज़्यादा दे रहा है। इसके बाद दोस्तों 4 नवंबर 2020 को उनकी जो है आखिरी जो है अंतरदशा चलेगी, 4 नवंबर 2020 से 22 नवंबर 2021 राहु की महादशा में मंगल की अंतरदशा चलेगी। दोस्तों कोई भी महादशा अपना रिजल्ट तब देती है जब उसके नक्षत्रपति की अंतरदशा चले, तो 4 नवंबर 2020 से दोस्तों राहु का जो नक्षत्रपति है वो मंगल है, और राहु जैसा मैंने आपको बताया D30 कुंडली जो त्रिशांश की कुंडली है जिसको अरिष्ट कुंडली बोलते हैं, अरिष्ट का ज्ञान वहाँ से देखा जाता है, अरिष्ट कहाँ होगा, अरिष्ट कितना बड़ा होगा, अरिष्ट का नॉलेज लेने के लिए D30 कुंडली देखना पड़ता है, वहाँ पे राहु जो है मंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी दोस्तों अभी जो है अमित शाह जी को राहु की महादशा में मंगल की अंतरदशा जो है वो उनको तकलीफ देने वाली है, जो कि वो जो है अभी जो है वो चलेगी राहु की महादशा में, मंगल अब शुरू होने वाला है, और राहु का नक्षत्रपति भी मंगल है, राहु का नक्षत्रपति भी मंगल है, और कन्या लग्न में मंगल जो है बिल्कुल भी सुफल नहीं देता है, लेकिन उनके लिए एक पॉजिटिव ये है कि मंगल जो है उनकी कुंडली में लाभ स्थान में नीच का होके बैठा है, तो लाभ स्थान में कोई भी प्लैनेट सुफल देता है। तो दोस्तों अभी 20 नवंबर 2020 को गुरु जो है वो मकर राशि में जो है वो गोचर करेगा, जो कि अमित शाह जी के 5वें घर में गुरु आ जाएगा, जो कि वो 5वीं दृष्टि से भाग्य को देखेगा और 7वीं दृष्टि से जो है लाभ को देखेगा, जो कि वहाँ पे नीच का मंगल है, जो कि मंगल की जो है वो अंतरदशा जो है आने वाली है राहु में मंगल, और 9वीं दृष्टि से वो लग्न को देखेगा, यानी कि गुरु की एक ट्रांजिट अभी मकर राशि में जो है उनके लिए जो है कुछ हद तक जो है वो लाभ देगा, लेकिन दोस्तों अभी 2021 में हेल्थ वाइज उनको थोड़ा सा और सतर्क रहना है, क्योंकि दोस्तों जो राहु जो है 2 डिग्री 22 कला का रिजल्ट दे रहा है
वो उनको चेस्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, उनको जो है कुछ ब्लड से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ जो है चेस्ट में जो है उनको जो है हार्ट से रिलेटेड जो है कुछ वहाँ भी जो है कुछ प्रॉब्लम उनको जो है कुछ हो सकता है, इसलिए वो ट्रीटमेंट जो है अच्छे से कराएं। दूसरी बात दोस्तों, यदि हो सके जो है तो कोई भी जो है ये वीडियो देखे तो उनके लिए जो है थोड़ा सा उनको ये बताएं कि इस समय जो है थोड़ा सा राहु का मंगल का जप और कुछ हद तक महामृत्युंजय का जप जो है वो भी कराते हैं तो काफ़ी हद तक उनको लाभ जो है मिलेगा। भगवान करें, हमारी जो है दुआ है जो है हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनका जो है स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी जो है ठीक हो। लेकिन दोस्तों ये बात तो लगभग कन्फर्म है, यदि उनका डेट ऑफ बर्थ ये होगा जो मैंने आपको बताया, यदि ये डेट ऑफ बर्थ होगा तो इस समय जो है अमित शाह जी को जो है इस समय हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, जो कि दोस्तों इस समय जो रोग कारक ग्रह है वो भी जो है रोग कारक ग्रह उनके कुंडली में शनि है, जो कि शनि उनके कुंडली में पांचवें घर से गोचर कर रहा है, पांचवा घर रोग से मुक्ति का घर है। लेकिन दोस्तों शनि जो है इस समय शनि का जो नक्षत्रपति है वो सूर्य है, और सूर्य जो है कन्या लग्न में बारहवें घर का स्वामी होता है, जो कि अमित शाह जी की कुंडली में बारहवें घर का स्वामी हो के सूर्य जो है वो सेकंड हाउस में है। सूर्य जो है दोस्तों रोग से मुक्ति का प्लानेट है और शनि जो है रोग देने वाला प्लानेट है। इसलिए दोस्तों अभी जो है जनवरी 2021 में शनि जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में चला जाएगा और चंद्रमा जो है कन्या लग्न में वो लाभेश बनता है। लेकिन दोस्तों वहाँ से भी उनको शनि तो पॉजिटिव उनका हो रहा है, लेकिन राहु में मंगल ये थोड़ा सा उनको तकलीफ देगा। और दोस्तों ये जो उनकी तकलीफ है ये तकलीफ दोस्तों बस उनका जो है 22 नवंबर 2021 मेन दोस्तों उनको ये सतर्क रहना है, 4 नवंबर 2020 से 22 नवंबर 2021 इस समय थोड़ा सा हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थोड़ी सी और हो सकती है, मे बी आर माइट भी, तो उसमें जो है थोड़ा सा वो सतर्क रह के और बने तो थोड़ा सा राहु मंगल की शांति करा के तब जो है इस दशा जो है उनकी निकल जाएगी। अब मुझे जो है पूरा भरोसा है कि ये दशा में जो है वो पूरी तरह से निकल जाएंगे, क्योंकि ट्रांजिट का जो राहु है दोस्तों वो जो है वो उनके जो है भाग्य के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है। 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 राहु जो है वो वृषभ राशि में गोचर कर रहा है, जो कि उनकी महादशा है, वो जो है उनके भाग्य 9th हाउस के ऊपर से गोचर कर रहा, जो कि वो रोग से मुक्ति का घर है। मंगल दोस्तों अभी इस समय मीन राशि में गोचर कर रहा है, रेट्रो है, अभी वो मेष राशि में आ जाएगा, जो कि वो जनवरी तक जो है वो मेष राशि में, जनवरी या फरवरी तक, वो मैं आपको जो है एग्जैक्ट बताता हूँ। मंगल दोस्तों जो है वो 2021 में जो उनकी अंतरदशा है मंगल की, मंगल दोस्तों 22 फरवरी 2021 को, 22 फरवरी 2021 को जो है मंगल जो है वो मेष राशि से वृषभ राशि में आ जाएगा। मेष राशि उनके आठवें घर को रिप्रेजेंट करती है, यानी राहु जी की जो महादशा है, राहु तो उनका पॉजिटिव हो गया है, क्यों? क्योंकि राहु गोचर में भाग्य स्थान 9th हाउस से जा रहा है, जो कि रोग से मुक्ति का घर है। अंतरदशा जो है अभी चंद्रमा की है, जो कि निगेटिव चल रही है, उसके बाद जो है वो 22 नवंबर से जो है मंगल की अंतरदशा आ जाएगी। अब मंगल जो है ट्रांजिट में मेष राशि में रहेगा, जो कि उनके आठवें घर से, आठवां घर जो है दुख दर्द तकलीफ हेल्थ से रिलेटेड तकलीफ का घर है, जो कि गोचर में दोस्तों मंगल 22 फरवरी 2021 तक उनके आठवें घर से गोचर करेगा। यानी दोस्तों 22 फरवरी 2021 तक जो है उनको ज़्यादा तकलीफ है। मंगल जैसे ही वृषभ राशि में जाएगा,
जाएगा, वृषभ राशि में गया यानी उनके नाइन्थ हाउस में, तो नाइन्थ हाउस रोग से मुक्ति का घर है। यानी 22 फरवरी 2021 के बाद उनको हेल्थ में रिकवरी बहुत तेज़ी से शुरू हो जाएगी, हेल्थ में रिकवरी बहुत तेज़ी से शुरू हो जाएगी और 22 नवंबर 2021 को पूरी महादशा उनकी जो है वो ख़त्म हो जा रही है। उसके बाद दोस्तों गुरु की महादशा आएगी, गुरु क्या उनको देगा वो हम बाद में एनालिसिस जो है वो करेंगे। लेकिन दोस्तों अभी इस समय जो है राहु की महादशा में चंद्रमा चल रहा है, चंद्रमा जो है वो चंद्रमा दोस्तों 4 नवंबर 2020 को चंद्रमा निकलेगा, उसके बाद जो है मंगल आएगा, चंद्रमा उनका निगेटिव है जो कि तकलीफ चल रही है। 4 नवंबर 2020 से लेकर 4 नवंबर 2020 से लेकर दोस्तों 22 फरवरी 2021 तक ये समय उनके लिए अमित शाह जी के लिए ज़्यादा तकलीफ वाला है। दोस्तों अंतरदशा राहु में मंगल 22 नवंबर 2021 तक चलेगा, लेकिन 4 नवंबर 2020 से 22 फरवरी 2021 तक का समय उनके लिए ज़्यादा तकलीफ वाला है। उसके बाद का समय तकलीफ वाला है लेकिन रिकवरी बहुत फास्ट हो जाएगी। तो दोस्तों यदि किसी से भी अमित शाह जी से परिचय हो तो उनका जो है राहु और मंगल का थोड़ा सा शांति और दोस्तों जो है कुछ हद तक थोड़ा महामृत्युंजय का जप करवाते हैं तो उससे भी एक अच्छा लाभ जो है वो जो है उनको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों थोड़ी सी ये करते हैं तो उनके लिए बहुत ही बेटर लाभ जो है वो उनको मिलेगा, जो कि उनको एक अच्छा जो है लाभ उनको जो है देगा। अब भगवान करे उनकी जो है तबीयत बहुत ही जल्दी ठीक हो, हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि दोस्तों जो अमित शाह जी ने किया काम देश के लिए वो आज तक जो है कोई भी नेता जो है अभी तक नहीं किया है। तो भगवान से हमारी रोज़ प्रार्थना रहेगी उनकी तबीयत को ठीक करें, और भगवान ज़रूर ठीक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रही दोस्तों अमित शाह जी की कुंडली का एनालिसिस। दोस्तों एक एक प्लैनेट का एनालिसिस करें दोस्तों तो वो 2 घंटे का जो है वो वीडियो बन जाएगा, जो कि बहुत लंबा होगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको भी लाइफ में कोई भी समस्या है तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी कुंडली में शेयर बाज़ार का योग है कि नहीं है, ट्रेडिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपको मंथली मेंबर बनना है तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम।